हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल न्यूज 48। आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं और संविदा कर्मियों से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण न्यूज सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, आप जानते हैं 14 अप्रैल 2020 तक पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है। इसके अंतर्गत हमारी जो भी संविदा कर्मचारी हैं वो वर्क टू होम कार्य कर रहे हैं, या फिर हमारी आंगनबाड़ी आशा बहनों या और जो हमारे कई संविदा कर्मचारी हैं जो विभागों के हैं, उन्हें जो है वो विभाग के द्वारा जो है वो फील्ड में काम करने के लिए भी कहा जा रहा है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में। तो संविदा कर्मियों को नियमितीकरण को लेकर क्या कुछ योजना हो सकती है आगे, उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले बात करेंगे राजस्थान के अंदर जो आशा कार्यकर्ता है उन्हें 3 महीने तक सरकार के द्वारा 1,000 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिसके लिए सरकार ने बजट भी जारी कर दिया है। तो बड़ी अच्छी खबर है राजस्थान की आशा बहनों के लिए। अब बात करें अन्य संविदा कर्मियों के लिए, तो विकास की महत्वपूर्ण कड़ी है संविदा कर्मी शासन सचिव। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजना को गति देने में नरेगा कर्मिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके कार्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें सरकार की मजबूरी को भी समझना होगा। कार्मिक नियमित हो, यह सरकार की मंशा है। तो दोस्तों, संविदा कर्मचारियों को नियमित करने को लेकर सरकार विचार कर रही थी। राजस्थान में इसको लेकर कमेटी भी बनाई गई थी, लेकिन अब लॉकडाउन के दौरान उसकी बैठक नहीं हो पाई है। तो राजस्थान के संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण को लेकर जो कमेटी की आगे बैठक होगी वो अप्रैल के लास्ट तक, जैसे ही देश में हालात सामान्य होंगे उसके बाद में होगी, ये शासन सचिव का कहना है। तो राजस्थान के संविदा कर्मचारियों की नियमितीकरण को लेकर जो रिपोर्ट मांगी गई थी वो पेश कर दी गई थी, लेकिन अभी इसकी जो बैठक हुई थी वो नहीं हो पाई थी। तो इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे हम यहाँ पे मध्य प्रदेश के संविदा कर्मियों के लेकर। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार आ चुकी है, और शिवराज सिंह चौहान जी ने होमगार्ड जवानों को नियमित करने को लेकर भी निर्देश दिया है। इसके साथ साथ जो अन्य संविदा कर्मचारियों, चाहे आंगनबाड़ी आशा, अतिथि शिक्षकों को, संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का जो वादा कमलनाथ सरकार ने किया था और वो पूरा नहीं कर पाई थी, उसे अब जो है शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार पूरा जरूर करेगी, ये उन्होंने आश्वासन भी दिया है। तो संविदा कर्मचारियों को देश भर में नियमित किया जाए। और दोस्तों, क्या आपका रुका हुआ वेतन आपको मिला है या नहीं, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि किसी भी विभाग के संविदा कर्मचारियों का बिल्कुल भी वेतन ना काटा जाए, उन्हें उनका पूरा वेतन जो है वो दिया जाए। तो इसको लेकर आपके जो आपका रुका हुआ वेतन है, क्या वो आपको अभी तक मिला है या नहीं, आप कौन से विभाग में संविदा कर्मी हैं, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। संविदा कर्मियों की हर न्यूज़ आपको सबसे पहले मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।